भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए थे और प्रशासन का इस्तेमाल करके वो असंतोष को कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो कर्मचारी वो ड्यूटी में तैनात लोग मत न करने पाए, इसलिए षड्यंत्र पूर्वक वंचित किए जाने की पूरी संभावना है। जो मौलिक अधिकार के तहत मताधिकार है, जो संवैधानिक प्रदत्त शक्तियां हैं, उससे वंचित किया गया है। मसला यह है कि 1369 पुलिसकर्मी मतदान से वंचित हुए, अतिथि शिक्षक मतदान से वंचित हुए, प्यून मतदान से वंचित हुए। ये तमाम मतदाता जागरूकता अभियान चलाते रहे, लेकिन इतने 2500 की संख्या में मतदाता मतदान करने से वंचित रह गए। ये घोर अपराध की श्रेणी में है। इसकी पूरी जिम्मेदारी वही निर्वाचन, जो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनको ये व्यवस्था देना चाहिए कि भाई हर कोई अपने मतदान का उपयोग करे। ये 5 साल में अपने मत का उपयोग ही नहीं कर पाए 2500 लोग। 1369 तो पुलिस वाले हो गए, अतिथि शिक्षक हो गए, उनको अचानक बुला लिया गया ड्यूटी में, चपरासी हो गए, बहुत सारे ड्राइवर हो गए, इनको माने वंचित है पूरी तरह से। मतदाता जागरूकता अभियान ये चलाते रहे, सब कुछ चलाते रहे, कि इससे क्या जागरूकता हुआ? और ये जो कहना कि पुलिस वालों ने अपने से मत नहीं दिया कि लोगों, ये तो गलत बात है। हर कोई देना चाहता है, अब व्यवस्था नहीं दोगे तो कैसे डाल पाएगा? बैलेट पेपर नहीं इशू करोगे, उनको भी सुविधा नहीं दोगे तो कर्मचारियों में आक्रोश था। इस मामले में कर्मचारियों में पूरी तरह आक्रोश है। जो भी मतदाता स्वाभाविक है भाई, हम अपने स्वेच्छा से न दें एक अलग बात है, लेकिन हमको मतदान करने का समय न मिले, ड्यूटी में लगा दी जाए इस तरह, तो सब में आक्रोश होना स्वाभाविक है। 5 साल में मत देने का मौका मिलता है। हम अपने बड़ी बात ये है कि आपने इतने दिन बाद जी आपने शिकायत रखी जी, लेकिन आपको आश्वासन के तौर पर ये लगाया कि उनकी गलती है जी। तो सबसे बड़ी गलती आपकी और कलेक्टर की, दोनों की गलतियों में आपने किसको रखा है? इतने दिन बाद आप जागृत हो रहे हैं? नहीं, हम तो जागृत हो गए। देखिए ना, हमारे यहाँ लोग PCC से भी हम लोग दे चुके हैं, प्रदेश से भी ये दे दिया हमने, पहले दे दिया। नीरज बाबू इनको दिखा दी, पहले से हमने जिला, हमारे प्रदेश ने पहले से ले लिया इसको संज्ञान में। हम लोग तो आज इनको ज्ञापन देने आए, कल भी आए थे, तो कल देखिए हमारी चिट्ठी कल की टाइप थी, कल इनसे मुलाकात नहीं हुई था। इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी, हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी चला गया। इसका एक बड़ा प्रश्न ये है, देखिए इसमें पूर्व में व्यवस्था की जाती है, पूर्व की होती है, लेकिन अब पूर्व में नहीं किया तो बाद में करिए, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना जी। कांग्रेस तो ज्ञापन दिया, प्रदेश स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को दे चुके हैं। मतलब इसे साफ तौर पे ये माना जाए जिला निर्वाचन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, ये तो स्वाभाविक है, तो दिख रहा है। कर्मचारियों के मन में रोष था, सीसीटीवी बंद हुआ और टेक्निकल इशू, ये भी इशू उठाया हम लोगों ने कल पीसी, देखिए आप पीसीसी से भी भेज दिया हमने, प्रदेश से भी चला, हर समाचार पत्र में चला। उन्होंने कहा कि जांच कराएंगे, दोषी को दंडित करेंगे, ये हमने किया है, और सीसीटीवी वाले में भी उन्होंने सफाई दिया। के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।